हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास आहूजा का 1300 वाट का जो स्पीकर आता है, ये रिपेयरिंग के लिए आया हुआ था और ये एक से दो बार और पहले ही रिपेयर हो चुका है। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं, भाई जो है ऑलरेडी इसका कॉइल बाहर निकाल के लाए थे। तो इसमें जो है ये पेपर कोन अब काम नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो जहाँ पर कॉइल लगता है वो वाला हिस्सा पूरा ख़राब हो चुका है। इसीलिए हम इसे इस बार यूज़ में नहीं लेंगे, इसमें नया पेपर कोन हम यूज़ करेंगे। इसीलिए इसमें हम पूरा सेट जो है न्यू लगाएंगे। अब कंपनी से चिपका हुआ रहता है ये, इसलिए ये थोड़ा सा हार्ड होता है, पेट्रोल से आसानी से नहीं निकल रहा था, काफ़ी ताकत से ये पेपर कोन जो है बाहर निकल रहा था। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वीडियो फास्ट किया हुआ हूँ तो इसलिए आप महसूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस पेपर कोन को उखाड़ने के लिए मैंने बहुत ताकत लगाया है। दूसरा पेपर कोन होता तो ये आसानी से फट जाता। और जिस भाई ने इसे पहले रिपेयर किया हुआ था, उन्होंने ग्लू जो है काफ़ी ज़्यादा लगा रखा है, जिसकी वजह से ग्लू काफ़ी ज़्यादा बाहर आ गया था रिंग से। और ऊपर में ही डबल स्पाइडर यूज किया था, नीचे वाला रिंग को उन्होंने सेट नहीं किया था कॉइल से। और यहाँ पे इसमें जो रिंग लगा होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। भाई को जो है कम बजट में स्पीकर बनाना था, इसलिए हमने इसे पुराने रिंग को ही यूज़ में लिया। और यहाँ पर ये रिंग जो है हार्ड बोर्ड का होता है, ये कोई मेटल का नहीं होता, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सेफ्टी से निकालना पड़ा। अगर आप इसे हीट गन से भी हीट करके इसका ग्लू निकालना चाहें तो हार्ड बोर्ड के साथ साथ ग्लू जो है बाहर आ रहा है। और इसमें अगर आप चाहें तो नया रिंग भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप पुराना भी यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। बस स्पीकर को अच्छे से क्लीन करना होता है। दोस्तों, आगे का वीडियो स्पीकर रिपेयर होने के बाद का है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, स्पीकर को मैंने जो है पूरा तरीके से रिपेयर कर लिया है। इसमें पेपर कोन जो है पीडी मॉडल का यूज़ किया है, देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे इस स्पीकर से मैच किया है। और इसमें रिंग में जो ग्लू लगा होता है पहले से, उसे मैंने क्लीन नहीं किया है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये हार्ड बोर्ड होता है, उसे अगर क्लीन करूँगा तो रिंग जो है ख़राब हो जाएगा। और भाई को जो है कम बजट में स्पीकर तैयार करना था, इसलिए मैंने कोशिश किया है कम बजट में तैयार करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर आप पेपर कोन के सस्पेंशन को देख सकते हैं, क्योंकि ये स्पीकर में 3 लेयर वाला पेपर कोन यूज़ होता है, लेकिन स्टॉक में नहीं था, इसलिए हमने पीडी मॉडल यूज़ किया, जिसकी वजह से सस्पेंशन और गैसकेट के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है। तो इस कंडीशन में क्या है कि जब आप इसे चलाएंगे तो थोड़ा बहुत इसमें डिस्टॉर्शन पेपर कोन के द्वारा निकल सकता है, तो इसमें थोड़ा सा मोटा गैसकेट यूज़ करना पड़ेगा। तो फिलहाल इमरजेंसी था, इसलिए हमने इसी गैसकेट को यूज किया है, लेकिन इसमें कैबिनेट के अंदर ही आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं करेगा, अच्छे से चलेगा। तो चलिए हम इसका साउंड टेस्टिंग एक बार देखते हैं। तो हेडफोन लगा लीजिए अपना। डीजे ललू, I'm gonna go get some more.
तो दोस्तों ये देखा आपने इस वाले स्पीकर का साउंड टेस्टिंग। साउंड टेस्टिंग आपको कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करना। स्पीकर का फिनिशिंग आपको कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर जरूर बताइएगा। इस स्पीकर को हम और भी अच्छा क्लीन और बेहतरीन लुक दे सकते थे अगर हम इसके रिंग को, जो नीचे डबल रिंग लगा होता है, इसे अगर चेंज करते तो काफ़ी अच्छा लुक और फिनिशिंग के साथ ये स्पीकर बनता, जैसा कि बाहर से आप इसे देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इसमें जो है थोड़ा मोटा गैस्केट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका जो चेचिस है, स्पीकर का जो फ्रेम है, ये 3 सस्पेंशन के हिसाब से बना हुआ है। तो डबल सस्पेंशन वाला पेपर को यूज़ करने से इसमें थोड़ा सा गैप बीच में हो जाता है अगर हम पुराना गैस्केट यूज़ करें, इसलिए इसमें थोड़ा सा चौड़ा वाला गैस्केट लगेगा पेपर कोन के ऊपर में, तो इसमें डिस्टॉर्शन किसी प्रकार का नहीं आएगा। तो भाई को फिलहाल किसी प्रकार का दिक्कत नहीं था उससे, इसीलिए हमने इसी गैस्केट को लगाया हुआ है। बाकी स्पीकर का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, कम बजट में तैयार करने के बाद भी ये स्पीकर बिल्कुल नए स्पीकर के जैसा ही बज रहा है। भाई जो है काफ़ी खुश हुए इस स्पीकर का क्वालिटी सुन के, और उन्होंने घर जाकर के इसे चेक भी किया है, तो इन्हें नया जैसा ही क्वालिटी देखने को मिला। तो भाई के फीडबैक के लिए भी भाई का धन्यवाद। दोस्तों अगर आप भी मेरे एरिया से हैं और स्पीकर रिपेयर कराना चाहते हैं तो आप मुझसे करा सकते हैं, काफ़ी अच्छे प्राइस में और काफ़ी अच्छे क्वालिटी के साथ आपका स्पीकर को रिपेयर मैं कर दूंगा। तो इस स्पीकर का क्वालिटी आपको कैसा लगा? अगर आप ये स्पीकर ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो इस स्पीकर के बारे में अपना अनुभव आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा कि इस स्पीकर की क्वालिटी आपको कैसा लगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और अच्छे नए वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।